How to put guard on FB profile pic in 2023. तो गाइस 2023 में स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और अपने फेसबुक के प्रोफाइल पिक पर जो आपका प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको कैसे पुट करना है, यानी कि कैसे इस पर अपडेट करना है 2023 में. बेसिकली जो प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का जो पिक का जो ऑप्शन है वो एक्जैक्टली है क्या, ये जो फीचर है बेसिकली आपकी हेल्प करता है सिर्फ आपके प्रोफाइल के पिक्चर को लॉक करने के लिए. सिर्फ अगर आपने चाहते कि आपके फेसबुक के प्रोफाइल के पिक्चर का कोई भी स्क्रीनशॉट ले, कोई भी उसका आपके पिक को डाउनलोड करे स्क्रीनशॉट ले, तो ऐसे में डायरेक्टली आप अपने प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का जो पिक है प्रोफाइल पर जो पिक्चर गार्ड का जो लॉक का जो साइन है वो आप अप्लाई कर सकते हो. इससे कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन, कोई भी पर्सन आपके फेसबुक के प्रोफाइल के पिक को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ना ही उसका स्क्रीनशॉट ले पाएगा. तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक के एप्लीकेशन में आना, तो यहाँ पे मैं फेसबुक का एप्लीकेशन यूज़ करो. उसके बाद आपको प्रोफाइल पिक पर आना है. पिक पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर का जो ऑप्शन है, ये जो पिक है प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का. सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो साइन दिया गया इसी तरीके से आपको साइन दिखेगा. उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर गार्ड है वो आपको फेसबुक प्रोफाइल पर अप्लाई हो चुका है. तो बस इसी तरीके से आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जो पिक्चर कार्ड का ऑप्शन है वो आपको अप्लाई करना है. अनलॉक करने के लिए आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑफ कर देना है. तो जैसे आप टर्न ऑफ कर दोगे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर कार्ड है वैसे गायब हो जाएगा. फिर से अप्लाई करने के लिए फिर से आपको इस पर टैप करना है, नेक्स्ट करना है, सेव करना है, और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर कार्ड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल हेल्प इन 2023. थैंक यू.